नीड ऑफ कॅरेक्टर बिल्डिंग. मनीष रोहिती सर मोटिवेशनल स्पीकर आहेत सगळ्यांच्या पुरती, इथे हजर आहेत. मी सरांचं स्वागत करतो आणि मी रिक्वेस्ट करतो की त्यांनी सुरुवात करावी. थँक्यू सर. और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. ऑनलाइन क्लास है तो पार्टिसिपेंट्स नज़र नहीं आ रहे हैं, बट आई गेस 10-12 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं. आज का हमारा टॉपिक है नीड फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग. नीड फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग. आज की तारीख में अगर किसी चीज़ की देश को, समाज को, परिवार को, ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो कैरेक्टर की है. क्योंकि कैरेक्टर, अब इसकी नीड बताने से पहले, अब पार्टिसिपेंट मुझे नज़र तो नहीं आ रहे हैं लेकिन मैं गेस करता हूँ कि कुछ जेंट्स हैं, कुछ लेडीज़ हैं, कुछ मैरिड होंगे, शायद कुछ अनमैरिड होंगे. तो एक सवाल है मेरा, अगर आप अनमैरिड लेडीज़ हैं तो क्या आप ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहेंगे जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है? चैट बॉक्स में डाल सकते. नौकरी अच्छी है, पैसे वाला है, दिखने में अच्छा है, सब कुछ अच्छा है और आपको पता है कि कैरेक्टर अच्छा नहीं है, क्या आप ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहेंगी? पुरुष है तो भी, पुरुषों को भी ये सवाल है, लेडीज़ को भी ये सवाल है कि अगर आपको पता हो कि कैरेक्टर अच्छा नहीं है सामने वाले का तो आप शादी करेंगे क्या? चैट बॉक्स में डाल सकते आप. विल यू मैरी दैट पर्सन? या अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, आपको बच्चों की शादी करनी है, और सबसे पहले आप क्या देखेंगे वो रिलेशन जोड़ने से पहले? क्या आप चाहेंगे कि ऐसी जगह आप रिश्ता करें जहाँ कैरेक्टर सही नहीं है? अब कैरेक्टर की ज़रूरत क्यों है, क्या कैरेक्टर का इम्पोर्टेंस है? अब मैं बताता हूँ कि अगर कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो आप अच्छे पेरेंट्स भी नहीं बन सकते, आप अच्छे लीडर नहीं बन सकते, आप अच्छे सिटीज़न नहीं बन सकते. अब मैं एक एग्ज़ाम्पल शेयर करता हूँ. अभी नागपुर में, महाराष्ट्र में कोविड बहुत फैला हुआ है. मेरे घर के दो घर बाद एक सब्जी का दुकान वाला है, वो कोविड पॉजिटिव निकला. उसे पता है कि वो कोविड पॉजिटिव है, क्या उसने दुकान खोलनी चाहिए क्या? क्योंकि ये तो इन्फेक्शियस डिसीज़ है, हाईली सुपर स्प्रेड हो रहा है. वो बंदे ने कोविड पॉजिटिव मालूम होने के बाद भी अपनी दुकान खोली, ये क्यों किया होगा उसने? अगर कैरेक्टर सही होगा तो ऐसा करेगा नहीं बंदा. तो मतलब कहीं ना कहीं कैरेक्टर अगर ख़राब है तो वो खुद के लिए तो हार्मफुल है ही और लोगों के लिए भी हार्मफुल है. और ये जो कोविड जो फैला है, हम देख रहे हैं कि ये फैला क्यों, इसके फैलने का एक तरीका है. तो लोगों को मालूम है कि वो कोविड पॉजिटिव है फिर भी वो पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं, जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं. अगर कैरेक्टर होता तो आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होते और आप इस किस्म की चीज़ें नहीं करते. और आज जो ट्रबल हम सब झेल रहे हैं वो सब हम झेल नहीं रहे होते. सो अगर कैरेक्टर है तो यू बिकम अ गुड सिटीज़न. आप अगर पेरेंट्स हैं तो आप क्या चाहते हैं क्या कि आपके बच्चों का कैरेक्टर ठीक ना रहे? आपका बच्चा है वो ख़राब कैरेक्टर का हो, कितने लोग चाहते कि ठीक है जी चलेगा, पैसा कमा के ला रहा है, स्टेटस कमा रहा है, पावर कमा रहा है, मनी कमा रहा है, चलता है कैरेक्टर. कितना इम्पोर्टेंस लगता है आपको कि आपका बच्चा एक सबसे पहले एक अच्छा कैरेक्टर वाला होना चाहिए, आपकी बच्ची एक अच्छी कैरेक्टर वाली होनी चाहिए, आप एक अच्छे कैरेक्टर वाले होने चाहिए? क्या इम्पोर्टेंस है? कैरेक्टर है क्या? और कैरेक्टर है या नहीं है ये हमें पता कैसे चलता है? कैसे पता चलता है हमको कि सामने वाले का कैरेक्टर अच्छा है, नहीं है, वो एक अच्छा सिटीज़न है, नहीं है, अच्छा एम्प्लॉय है या नहीं है, अच्छा मैनेजर है या अच्छा मैनेजर नहीं है? ये हमें पता कैसे चलता है? क्या बिहेवियर से पता चलता है क्या?
बिहेवियर से पता चलता है, चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, क्या किसी के बिहेवियर से या एटीट्यूड से या पर्सनालिटी से हमको पता चल सकता है कि इसका कैरेक्टर अच्छा है या नहीं है? आंसर कैन बी यस, आंसर कैन बी नो, दोनों हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कैरेक्टर चीज क्या है, अब पता चलता है छोटे छोटे बिहेवियर से। आप कार से उतरे और आपने कार को किस तरह से दरवाजे को बंद किया, उससे भी समझ में आता है कि आप किस प्रकार के कैरेक्टर के हैं। कोई जोर से, कोई प्रॉपरली दरवाजा बंद करेगा, कोई जोर से धड़ाम से छोड़ देगा। आप रास्तों पर अगर कोई थूकता है, गंदगी मचाता है, उसका बिहेवियर कैसा है, इससे कैरेक्टर पता चल भी सकता है, पता नहीं भी चल सकता है। टेम्पररीली आदमी फेक भी कर सकता है। कैरेक्टर मतलब क्या है, मैं जो ऐसा पर्सन हूँ, मेरे दो पार्ट है। नंबर वन, एक एक्सटर्नल पार्ट है जो आपको नज़र आता है। नंबर टू, एक इंटरनल पार्ट है जो आपको नज़र नहीं आता है। तो आप मुझे सबसे पहले मेरे बिहेवियर से, एटीट्यूड से जज करते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनालिटी। एक्सटर्नल जो दिख रहा है वो मेरी पर्सनालिटी है, उसमें मेरा बिहेवियर हो सकता है, उसमें मेरा बात करने का ढंग हो सकता है, उसमें मेरा एटीट्यूड हो सकता है। और एक चीज़ है मेरी इंटरनल, इंटरनल मेरा कैरेक्टर है। तो क्या दोनों चीज़ सेम है क्या? इस पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर द सेम थिंग? क्या दोनों सेम है? बिहेवियर से पता चलता है। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछता हूँ आपसे, इसको पॉलिटिकली मत लीजिएगा, हम केवल एग्जांपल के तौर पर इसको यूज़ कर रहे हैं, शायद किसी लोगों को ये चीज़ बुरा भी लग सकता है। और अभी मैं जो लैंग्वेज बोलने वाला हूँ वो लैंग्वेज बिल्कुल भी मेरी इच्छा नहीं है बोलने की, बावजूद इसके मैं उस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक लैंग्वेज नहीं है, ऑफेंसिव लैंग्वेज है, बट स्टिल मैं इसको यूज़ करता हूँ। और आप बताइए कि इस शब्द को सुनने के बाद मेरे बारे में आपका इम्प्रेशन कैसा होगा। सो लिसन टू माई वर्ड्स केयरफुली। अबे चूतिए, निकल यहाँ से। आपने सुना मैंने क्या कहा, बहुत गंदा कहा। आप मुझे बताइए ये शब्द सुनने के बाद मेरे बारे में आपका क्या इम्प्रेशन है, गुड और बैड, क्या कैरेक्टर मेरा दिखा ये शब्द को सुनने के बाद में? एवरीवन से बैड है? ये कोई शब्द है? ये शब्द है, मैं तो एक कॉमन आदमी हूँ, और आपको बताने को मुझे शर्म आ रही है कि ये शब्द मैंने दो दिन पहले सुना एक बहुत बड़े आदमी के मुंह से टेलीविजन के ऊपर। नाम नहीं लूँगा मैं, आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। क्या ये व्यक्ति का चरित्र क्या होगा, क्या होगा इस व्यक्ति का चरित्र जिसने इस किस्म के शब्द किसी को कहे ऑन टेलीविजन लाइव? इससे क्या दिखा? इससे दिखा कि बंदे की कैरेक्टर क्या है, इसको किस किस्म के संस्कार मिले हैं, इसको किस किस्म की अपब्रिंगिंग मिली है, इसे ये दिखा। तो जो हमारा बिहेवियर है इससे भी हमारा कैरेक्टर पता चलता है। यूज़ नहीं करने चाहिए ऐसे वर्ड्स, तो लैंग्वेज। अब इसके अलावा आपने, आप पेट्रोल भराने कभी गए हैं? और कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने वाला बंदा पेट्रोल के पंप के पास खड़ा हुआ है, जब वो धीरे से अपना पेट्रोल टैंक ओपन कर रहा है, पेट्रोल भरने के बाद अपनी जेब ढूंढ रहा है, फिर कहीं से तो वॉलेट निकाल रहा है, उसमें फिर अपनी नोट ढूंढ रहा है, फिर वहाँ नोट काउंट कर रहा है, और वो 5-7 मिनट वहाँ पे खा जा रहा है, आप पीछे खड़े हैं, आपको देर हो रही है, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि अननेसेसरीली 5-7 मिनट केवल पेट्रोल भराकर पैसे देने में लगा रहा है। इस प्रकार के बिहेवियर से क्या समझ में आया? ऐसा हमने हमेशा एक्सपीरियंस किया होगा पेट्रोल पंपों पर, मुझे बहुत इरिटेशन होता है जब ये ऐसा कोई करता है। तो व्हाट आई शुड डू, मुझे अगर 200 रुपये का या 500 रुपये का पेट्रोल भराना है तो मेरे हाथ में 500 की नोट रेडी होती है, मेरा पेट्रोल का टैंक मैं ऑलरेडी ओपन करके रखा होता हूँ, जैसे ही वो मेरे गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा होता है मैं उसको वो 500 रुपये दे देता हूँ और इमीडिएटली वहाँ से निकल जाता हूँ। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका वो है कि वो वहाँ पर पैसा ढूंढ रहा है, पैसा गिन रहा है, आराम से टैंक खोल रहा है, और अपना भी वक्त बर्बाद कर रहा है, दूसरों का वक्त भी बर्बाद कर रहा है। तो छोटी छोटी बातों से भी व्यक्ति के कैरेक्टर का पता चलता है कि हाउ यू बिहेव इन अ पब्लिक प्लेस। आप घर पे कैसे बिहेव करते हैं, आप ऑफिस में कैसे बिहेव करते हैं, आप समाज में कैसे बिहेव करते हैं, आप एज अ सिटीज़न कैसे हैं,
ये सारी बातें कैरेक्टर के अंतर्गत आती है। पेट्रोल आपने देखा होगा सिग्नल पर, लोग पुलिस वाला नहीं है तो इस तरह एक दो तरफ देखते हैं, रेड सिग्नल सिग्नल जम कर देते हैं, ये सारी बातें। जब कैरेक्टर अगर सही होगा, आप एक सही सिटीज़न होंगे तो आप इस किस्म की चीज़ें नहीं करेंगे, आप अपने वातावरण को शुद्ध रखेंगे, आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, आपकी लैंग्वेज सही होगी, इस किस्म की चीज़ें आप करेंगे। सो कैरेक्टर का इम्पोर्टेंस इसी से समझ में आता है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से रिलेशन रखना नहीं चाहेंगे जिसके कैरेक्टर के बारे में हमको शंका है। ठीक, अब मैंने एक सवाल पूछा था कि मेरे बिहेवियर से मैं एक बहुत ख़राब कैरेक्टर का आदमी हूँ और मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा है, इज़ दैट पॉसिबल। मेरा कैरेक्टर बहुत ख़राब है लेकिन मेरा एटीट्यूड और बिहेवियर बड़ा शानदार है, इज़ दैट पॉसिबल? चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। ऑफ कोर्स पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। मैं नाटक नहीं कर सकता हूँ पर्सनल। मैंने पहले बताया कि मेरे दो पार्ट है, वन इज़ माय एक्सटर्नल मतलब मेरी पर्सनालिटी में आ गया मेरा बिहेवियर, मेरा एटीट्यूड, मेरी बॉडी लैंग्वेज। मेरा बिहेवियर परफेक्ट हो सकता है, मेरा एटीट्यूड परफेक्ट हो सकता है, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी परफेक्ट हो सकती है, तीनों चीज़ें परफेक्ट है लेकिन मेरा कैरेक्टर ख़राब है, ऐसा हो सकता है। नाटक नहीं कर सकता हूँ मैं। कैन आई नॉट फेक माई पर्सनैलिटी? मेरे को आपसे आधे घंटे के लिए मिलना है तो मैं बहुत अच्छा बिहेव करूँगा, बहुत अच्छी बातें करूँगा, एटीट्यूड बहुत अच्छा रखूँगा। तो पर्सनैलिटी जो है ये बाहर से नज़र आती है। अब आया कहाँ से ये पर्सनैलिटी चीज़ बाहर से नज़र आने वाला? ये शब्द आया है ग्रीक वर्ड से, पर्सोना से, ग्रीक वर्ड। तो कुछ हज़ार साल पहले ग्रीक में, यूनान में ड्रामे होते थे। तो ड्रामे में क्या करते थे, वो जो एक्टर्स होते थे वो ऐसे मास्क लगाते थे चेहरे पे, ऐसे मास्क। अगर वो बादशाह का रोल कर रहा है तो ये मास्क जो है वो बादशाह वाला होता था। अगर वो फ़कीर का रोल कर रहा है तो वो मास्क जो है वो फ़कीरों वाला होता था। बाहर से वो मास्क नज़र आता था, उसको बोलते थे पर्सोना। पर्सोना मतलब समथिंग विच इज़ विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। ये बादशाह का पर्सोना, ये फ़कीर का पर्सोना, ये व्यापारी का पर्सोना, तो ये मास्क था। तो मास्क मीन्स समथिंग विच इज़ एक्सटर्नली विजिबल। तो मेरा बिहेवियर एक्सटर्नली विजिबल है, मेरा एटीट्यूड एक्सटर्नली विजिबल है, मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है एक्सटर्नली विजिबल है, और ये मैं कुछ समय के लिए आई कैन फेक इट। मैं नाटक कर सकता हूँ अच्छा बिहेव करने का, बॉडी लैंग्वेज अच्छा रखने का, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन कैरेक्टर इज समथिंग डीपर इनसाइड। वो तब पता चलता है जब आप किसी के साथ लंबे समय तक काम करते हो, तब पता चलता है कि बंदे का कैरेक्टर किस किस्म का है। पर्सनालिटी इज सरफेस लेवल थिंग, ऊपर ऊपर से नज़र आती है, विच कैन बी फेक्ड। तो हम लोग कई बार कैरेक्टर और पर्सनालिटी में फ़र्क नहीं कर पाते और हम किसी व्यक्ति के अच्छे बिहेवियर से समझ बैठते हैं या अच्छी बातों से समझ बैठते हैं कि कैरेक्टर भी अच्छा है। देखिए, अच्छी बातें करना अच्छे कैरेक्टर की निशानी नहीं हो सकती है। समवन कैन बी एक्सेलेंट ओरेटर एंड स्टिल हैव अ वेरी बैड कैरेक्टर। मैं एक बार और बोलता हूँ, समवन कैन बी अ वेरी गुड ओरेटर एंड स्टिल कैन हैव अ वेरी बैड कैरेक्टर। ठीक है, समवन कैन हैव अ वेरी गुड बॉडी लैंग्वेज एंड स्टिल हैव अ वेरी बैड कैरेक्टर। समवन कैन हैव अ वेरी गुड बॉडी लैंग्वेज एंड कैन स्टिल हैव अ वेरी बैड कैरेक्टर। तो हमें डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए ताकि हम धोखा ना खा पाएं कि भैया कैरेक्टर अलग है, पर्सनालिटी ट्रेट अलग है। तो कैसे पहचाने और कैरेक्टर को ये कैसे करें हम? कैरेक्टर है क्या चीज़? कैरेक्टर इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरनल थिंग, और वो केवल और केवल किसी को लंबे समय तक जब हम जानते हैं तभी हम उसको पहचान सकते हैं। कुछ मुलाकातों में कुछ और एक्सटर्नली देखकर हम कैरेक्टर को सही से पहचान नहीं सकते। तो कैरेक्टर इज़ माय वर्थ, मेरी कीमत है, कैरेक्टर मेरी कीमत है। लो कैरेक्टर लो वर्थ, हाई कैरेक्टर हाई वर्थ। अगर मेरा कैरेक्टर ऊंचा है तो मेरी कीमत ऊंची है,
अगर मेरा कैरेक्टर छोटा है, कम है, तो मेरी कीमत भी कम है। वाट आई एम इनसाइड शोज अप एज माई कैरेक्टर, मैं जो अंदर से हूँ ना वो मेरे कैरेक्टर में नज़र आता है। मेरी पर्सनालिटी मेरा कैरेक्टर नहीं है, मेरा एटीट्यूड मेरा कैरेक्टर नहीं है, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी मेरा कैरेक्टर नहीं है। मेरा मनी, मैं कितना पैसे वाला हूँ, उससे भी मेरा कैरेक्टर डिटरमाइन नहीं होता। मैं कितना पावरफुल हूँ, उससे भी मेरा कैरेक्टर डिटरमाइन नहीं होता। और मेरा स्टेटस क्या है, इससे भी मेरा कैरेक्टर डिटरमाइन नहीं होता। मेरा कैरेक्टर डिटरमाइन होता है मैं अंदर से क्या हूँ, इस बात से मैं किस किस्म का ह्यूमन बीइंग हूँ, इससे मेरा कैरेक्टर डिटरमाइन होता है। सो क्या चीज़ है देन कैरेक्टर, क्या चीज़ है? मेरा कैरेक्टर अच्छा है या बुरा है, ये तीन बातों पे डिपेंड करता है। नंबर वन, मेरी मॉरल वैल्यूज़ क्या है। नंबर टू, मेरी एथिकल वैल्यूज़ क्या है। और नंबर थ्री, मेरी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ कैसी है। तो कैरेक्टर इज़ डिटरमाइंड बाय थ्री थिंग्स, मॉरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ और स्पिरिचुअल वैल्यूज़। इनको हम डिटेल में आगे देखेंगे कि ये कैसे मेरे कैरेक्टर को डिफाइन करता है। अब कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट तो है, बिकॉज अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है ना, तो आप में क्या होगी, इंटेग्रिटी का लेवल हाई होगा। तो किसी का कैरेक्टर अगर जज करना है, मेरा कैरेक्टर जज करना है, तो देखना पड़ेगा मेरे इंटेग्रिटी का लेवल क्या है, मेरे इंटेग्रिटी का लेवल क्या है। अगर मेरे इंटेग्रिटी का लेवल हाई होगा ना, तो मैं ऑनेस्ट होऊंगा, मैं ट्रूथफुल होऊंगा, मैं अनबायस्ड होऊंगा, मैं इम्पार्शल होऊंगा, मैं सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करने का विचार रखूंगा, मैं सेल्फिश नहीं होऊंगा, दिस इज़ कॉल्ड इंटेग्रिटी। मैं जो काम सही है वही काम करूंगा, भले ही उसमें मेरा नुकसान हो रहा होगा, कोई नहीं देख रहा है तो भी मैं सही काम करूंगा, दैट इज़ कॉल्ड इंटेग्रिटी। तो व्हेन यू हैव अ गुड कैरेक्टर, यू हैव इंटेग्रिटी, मतलब आप ऑनेस्ट होते हैं, आप रिलायबल होते हैं, आप अकाउंटेबल होते हैं, ये चीज़ें आती है इंटेग्रिटी के अंतर्गत। तो व्हेन यू हैव अ गुड कैरेक्टर, you have very good integrity, then when you have good character, you are more empathic person, empathy आप में ज़्यादा होती है, आपकी emotional mastery अच्छी होती है, आप किसी को blame नहीं करते, आप किसी से interact कर रहे हैं और वो हर बार किसी तो भी किसी और को blame कर रहा होता है किसी बात के लिए, समझ लीजिए ये व्यक्ति का character बहुत low level का है, इसकी worth बहुत low है। देन आपका कैरेक्टर अच्छा है तो आप बहुत विनम्र होते हो, आप हम्बल होते हो, ह्यूमिलिटी आपके बिहेवियर में होती है, आप में अकाउंटेबिलिटी होती है। कैरेक्टर ऊंचा है तो अकाउंटेबल होंगे आप जिम्मेदारी लेंगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आप में करेज होगा। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है ना, तो आप करेजस होते हैं, बहादुर होते हैं, और जिनका कैरेक्टर लो होता है वो करेजस एक्टिविटी नहीं करते, वो कावर्ड्स होते हैं। आप में कॉन्फिडेंस अच्छा होता है अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है, आप बहुत फॉगिविंग होते हैं और आप बहुत ग्रेटफुल होते हैं। तो ये साइंस है अच्छे कैरेक्टर की, कि आप में इंटेग्रिटी होगी, आप लोगों को ब्लेम नहीं करते होंगे, आप में एम्पैथी होगी लोगों के लिए, आप में आपकी इमोशनल मास्टरी अच्छी होगी, आप में करेज होगा, आप में कॉन्फिडेंस होगा, और आप बहुत फॉगिविंग और ग्रेटफुल होंगे। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड कैरेक्टर। कैरेक्टर अच्छा है, आप अच्छे पेरेंट्स हैं, कैरेक्टर अच्छा है, आप अच्छे एम्प्लॉई हैं, कैरेक्टर अच्छा है, आप अच्छे बॉस हैं, आप अच्छे लीडर हैं, आप अच्छे पॉलिटिशियन हैं, आप सब कुछ आपका अच्छा है अगर कैरेक्टर अच्छा है। देन कैरेक्टर अगर अच्छा है तो हमारे समाज में कैरेक्टर की कमी क्यों है, क्यों कमी है, क्या कारण है कि कैरेक्टर की कमी है, और हम बेईमानी कर रहे हैं, हम करप्शन कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हम लोगों को फंसा रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग दिस, वाई सोसाइटी इज लैकिंग कैरेक्टर, वाई? रीजन नंबर वन, रॉन्ग अपब्रिंगिंग इज द नंबर वन रीजन दैट आवर कंट्री इज लैकिंग कैरेक्टर, आवर पीपल आर लैकिंग कैरेक्टर। हम छोटे बच्चे होते हैं ना, तो आपको ब्रेन वेव स्टेट के बारे में मैं बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो मेरी मेंटल प्रोग्रामिंग की वजह से कर रहा हूँ, तो जब मैं पैदा हुआ था तो हमारी जो मेंटल प्रोग्रामिंग है
या मेंटल, हमारा जो मेंटल फ्रीक्वेंसी है ये चार टाइप का होता है। पहला होता है बीटा फ्रीक्वेंसी। बीटा फ्रीक्वेंसी मींस आई एम अलर्ट। आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आपका ब्रेन वेव बीटा फ्रीक्वेंसी में है। अगर तो बीटा फ्रीक्वेंसी को अगर मशीन से गिने तो वो ईईजी मशीन से गिनी जाती है 14 से लेकर 21 हर्ट्ज पर सेकेंड, 14 to 21 साइकिल्स पर सेकेंड इज बीटा फ्रीक्वेंसी। तो जब आप अलर्ट स्टेट में होते हो यू आर इन वर्किंग अंडर बीटा फ्रीक्वेंसी। जब आप रिलैक्स होते हो तो आपकी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होती है, और वो होती अगर वो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हुई तो आप आ जाते हो अल्फा फ्रीक्वेंसी में। अल्फा फ्रीक्वेंसी इज 7 to 14 साइकिल्स पर सेकेंड। व्हेन यू आर अलर्ट यू आर वर्किंग एट बीटा फ्रीक्वेंसी या बीटा लेवल विच हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 14 to 21 साइकिल्स पर सेकेंड। व्हेन यू आर रिलैक्स्ड, आप जब रिलैक्स होते हो तो आपकी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी नीचे आ जाती है और वो हो जाती है 7 to 14 साइकिल्स, दैट इज अल्फा फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी लेवल पर आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ जाती है, आपकी विजडम बढ़ जाती है, और आपके डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है, आप सही सही जजमेंट कर पाते हो। तो जब आप रिलैक्स होते हो तो आपके जजमेंट सही होते हैं, जब आप रिलैक्स नहीं होते तो आप रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। और ज़्यादा रिलैक्स हुआ तो आप थेटा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी में आते हैं। थेटा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी 4 to 7 साइकिल्स पर सेकेंड, 4 to 7 साइकिल्स पर सेकेंड इज थेटा फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पे आपका माइंड प्रोग्रामेबल होता है। लिसन केयरफुली, थेटा ब्रेन वेव स्टेट में 4 to 7 साइकिल्स पर सेकेंड पर जब आपका ब्रेन वेव काम कर रहा है, आपका माइंड प्रोग्रामेबल स्टेट में होता है। इस वक्त जो कुछ भी आप सोचेंगे, जो कुछ भी आप सुनेंगे, जो कुछ भी आप देखेंगे, वो आपके माइंड में प्रोग्राम हो जाएगा और वो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता चला जाएगा। तो जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके 7 साल की उम्र तक वो केवल और केवल थीटा फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा होता है। फ्रॉम 0 to 7 ईयर्स हर ह्यूमन बीइंग थीटा फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा होता है। तो 0 से लेकर 7 की उम्र तक जो भी आपने देखा, जो भी आपने सुना और जो भी आपने ऑब्जर्व किया, जो भी आपको बताया गया, वो आपके माइंड का प्रोग्राम बन गया है और लाइफ लॉन्ग आप इसी प्रोग्राम पर ऑपरेट करेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति को गलत अपब्रिंगिंग मिल गई इस उम्र में, 0 से लेकर 7 की उम्र तक रॉन्ग अपब्रिंगिंग मिल गई, उसने लोगों को झूठ बोलता हुआ देखा, उसने वायलेंस करता हुआ लोगों को देखा, उसने लोगों को चीट करता हुआ देखा, तो उसके माइंड पर वो प्रोग्राम होता चला गया और गलत अपब्रिंगिंग की वजह से, गलत पेरेंटिंग की वजह से वो एक गलत सिटीज़न बन गया, उसका कैरेक्टर ख़राब हो गया। तो नंबर वन रीज़न कि बचपन में हमें जो प्रोग्राम मिले वो सही प्रोग्राम नहीं मिले, दैट इज़ द नंबर वन रीज़न। चलिए उसके बाद वो 3 साल 4 साल के बाद आजकल स्कूल भेज देते हैं, तो स्कूल में क्या प्रोग्रामिंग मिली? जब वो प्राइमरी स्कूल में गया तो टीचर सिगरेट पीता हुआ दिखा उसको, टीचर तंबाकू खाता हुआ दिखा, टीचर काम चोरी करता हुआ दिखा, ये भी उसका प्रोग्राम बन गया, इस ये भी उसके कैरेक्टर में बिल्ड हो गया। फिर तीसरा कारण है बैड कंपनी। उसके जो दोस्त उसको मिले वो सही नहीं मिले, वो गलत बातें करते थे, वो उनको देखा, और पीयर इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होता है, तो दोस्तों ने गलत किया, उसने गलत किया, और उनकी प्रोग्रामिंग क्या होती चली गई, गलत होती चली गई। और सबसे बड़ी बात ये, तो तब तो आप 7 साल की उम्र तक तो आपको समझ नहीं थी, मगर अब तो समझ आ गई है। अब हमारा कैरेक्टर क्यों गड़बड़ हो गया? मेरे को अपब्रिंगिंग भी ठीक मिली, मेरे को स्कूलिंग भी ठीक मिली, मेरा बचपन का जो फ्रेंड सर्कल था वो भी ठीक था, बावजूद इसके मेरा कैरेक्टर ख़राब हो गया। वो इसलिए हो गया कि हमने 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चालू कर दिया। 3 चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चालू कर दिया। नंबर वन, सबसे पहली बात तो मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, आप एक ह्यूमन बीइंग है, और हमारी अंदर से एक इच्छा है कि आई शुड बी लव्ड, मुझसे लोग प्यार करें। यह हर किसी को लगता है, मुझे भी लगता है, आपको भी लगता होगा कि आपको प्यार किया जाए। और नंबर टू, मुझे लगता है कि मेरी इज्जत की जाए, आई शुड बी रिस्पेक्टेड। ये बेसिक नीड्स है हमारी, नीड टू बी लव्ड फॉर, नीड टू बी रिस्पेक्टेड, ये दो हमारी नीड्स है।
अब हमने क्या देखा कि जिसके जिसके पास पैसा ज़्यादा है, हमको ऐसा लगता है कि उनको ज़्यादा प्यार मिलता है, उनको ज़्यादा इज्जत मिलती है। मुझे भी प्यार चाहिए, मुझे भी इज्जत चाहिए। अब मैं देख ही रहा हूँ समाज में कि इज्जत किसको मिलती, जिसके पास पैसा है। तो मैंने ये देखा कि मेरे पास पैसे कम होंगे ना तो मेरी इज्जत नहीं होगी। और ये हम हर जगह देखते हैं। आप एक शॉप में गए, आपको 1,000 रुपये की चीज़ लेनी है, आप एक बाइक पे गए हुए हैं, दूसरा एक और व्यक्ति आया, वो मर्सिडीज़ में आया, उसको भी 1,000 रुपये की चीज़ लेनी है या 500 रुपये की लेनी है, आपको तो 1,000 रुपये की लेनी है, मर्सिडीज़ में आए व्यक्ति को 500 रुपये की चीज़ लेनी है। अब दुकानदार का बिहेवियर आपके साथ और मर्सिडीज़ में आए हुए व्यक्ति के साथ सेम होगा क्या? या एक व्यक्ति साइकिल पर आया हुआ है, उसके कपड़े भी उतने ब्रांडेड नहीं है, साधारण लग रहा है, एक गरीब व्यक्ति है और एक आप है और एक बहुत अमीर व्यक्ति है, क्या बिहेवियर, रिस्पेक्ट, हम रिस्पेक्ट नहीं बोलेंगे, रिगार्ड है वो एक्चुअली, बट रिस्पेक्ट चलो बोल के चलते हैं, क्या दुकानदार का बिहेवियर समान होगा क्या? या समाज में देखेंगे हम जिसके साथ, जिसके पास बहुत पैसा है उसके साथ लोगों का एटीट्यूड और जिसके पास कम पैसा है उसके साथ एटीट्यूड एक जैसा है क्या? क्या एक जैसा है? क्या हम पैसा देख के लोगों की इज्जत करते हैं और प्यार करते हैं क्या? यस और नो, यस और नो। समाज में आप क्या देखते हैं? आप कहेंगे कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं पैसा देख के इज्जत नहीं करता, मैं तो कैरेक्टर देख के इज्जत करता हूँ। ठीक है, आपके बारे में सच होगा, बट इन जनरल जो हम समाज में देखते हैं, हम क्या देखते हैं? व्हाट डू वी एक्चुअली सी? चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं कि जिनके पास पैसा ज़्यादा है दे गेट मोर रिस्पेक्ट, सही या गलत? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ कि लोग पैसा देखकर इज्जत करते हैं, कपड़े देख के इज्जत करते हैं, आपकी कार का मॉडल देख के इज्जत करते हैं, आपके ब्रांड का, कपड़ों का ब्रांड देख के, आपकी घड़ी का ब्रांड देख के, आपके शूज़ का ब्रांड देख कर आपकी इज्जत करते हैं? तो समाज में ये एक गलत प्रचलन चल गया है कि जिसके पास पैसे ज़्यादा उसकी इज्जत ज़्यादा। वो दुनिया भर के गलत काम करता होगा, खराब कैरेक्टर का होगा, गाली गलौज करता होगा, मगर पैसा है, पावर है, स्टेटस है तो उसकी इज्जत ज़्यादा होती है। पैसा है, पावर है, स्टेटस है, उसकी इज्जत ज़्यादा होती है, ये हम देख रहे हैं। तो मुझे भी इज्जत चाहिए, तो मैं भी क्या करूँगा, किसी भी तरीके से पैसे आ जाए, पावर आ जाए, स्टेटस आ जाए, ये तीन चीज़ अक्वायर कर लूँगा तो मेरे को इज्जत मिल जाएगी। ऐसा मेरा प्रोग्राम बन गया है सोसाइटी में देख देख कर। एंड केवल और केवल ये एक कारण है जिसकी वजह से कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस रहा नहीं, पैसे को इम्पोर्टेंस आ गया, पावर को इम्पोर्टेंस आ गया, स्टेटस को इम्पोर्टेंस आ गया, पोजिशन को इम्पोर्टेंस आ गया। अब हमको इसको बदलना पड़ेगा। हम लोगों की इज्जत करें तो कैरेक्टर देखकर करें, इंटेग्रिटी का लेवल देखकर करें, ऑनेस्टी देखकर करें, उसके बिहेवियर को देखकर करें कि इन जनरल उसका हमेशा का बिहेवियर कैसा है, इस पर हम अगर इज्जत करेंगे। मेरी नीड ज़्यादा नहीं होती, मेरी नीड है 2 जोड़ी कपड़े, 2 रोटी और 1 छोटी सी छत, ये मेरी नीड है। तो मैं ज़्यादा क्यों अक्वायर करना चाह रहा हूँ? मैं स्टेटस की चाहत में, रिस्पेक्ट की चाहत में ज़्यादा अक्वायर कर रहा हूँ, उसके लिए मैं गलत बातें करने के लिए तैयार हूँ। तो अगर हम कैरेक्टर को इज्जत देना शुरू करेंगे और मनी, स्टेटस और पावर की इम्पोर्टेंस अपने आप कम हो जाएगी और कैरेक्टर अपने आप बढ़ने लगेगा। मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स के कारण कैरेक्टर्स खराब होने लग गए हैं। तो दीज आर सम रीजंस जिसकी वजह से हमारा कैरेक्टर खराब हो जाता है। तो कैरेक्टर अगर ठीक रखना है तो हमको क्या करना होगा? मनी का इम्पोर्टेंस कम करना होगा, पावर का इम्पोर्टेंस कम करना होगा और स्टेटस का इम्पोर्टेंस कम करना होगा। तो मैं एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर शेयर करता हूँ जिसके ऊपर हम आगे चलेंगे।
क्या मेरा प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है? आप देख पा रहे हैं मेरा प्रेजेंटेशन को? चैट दिख रहा है ना? तो नीड टू बिल्ड कैरेक्टर. अब कैरेक्टर मीन्स एक्चुअली क्या है? कैरेक्टर मीन्स बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट. मैं एक अच्छा इंसान होना चाहिए, दैट इज़ द कैरेक्टर. आप अच्छे ह्यूमन बीइंग होंगे तो अच्छे फादर होंगे, अच्छे सन होंगे, अच्छे पेरेंट होंगे, अच्छे लीडर होंगे, अच्छे फॉलोअर होंगे, अच्छे एम्प्लॉय होंगे और अच्छे सिटीजन होंगे. तो फर्स्ट थिंग आई शुड डू, आई शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट. मैं एक अच्छा इंसान बनूं. ए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मेक्स अ गुड ह्यूमन बीइंग. लेकिन मटेरियलिस्टिक डिज़ायर, पीयर प्रेशर, लैक ऑफ नॉलेज, पावर हंगर, इसके कारण से कैरेक्टर गड़बड़ हो गई. तो किसी व्यक्ति में कैरेक्टर है मीन्स उसमें तीन बातें हैं. एक्चुअली प्रेजेंटेशन में दो बातें दिख रही है कि उसमें मॉरालिटी होती है, उसमें एथिक्स होते हैं और उसमें स्पिरिचुअलिटी होती है. उसमें तीन बातें होती है, मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, एथिकल वैल्यूज़ होती है और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होती है. ये तीन बातें जिनमें है दे आर कंसिडर्ड टू बी ए हाई कैरेक्टर पीपल. तो मॉरल और एथिक्स जो है दे आर बोथ अबाउट राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ है. अब मॉरल वैल्यूज़ आर गाइडेड बाय सेल्फ प्रिंसिपल्स. कोई कानून से मॉरल वैल्यूज़ आप में होना चाहिए ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है. एथिकल वैल्यूज़ आर गाइडेड बाय एक्सटर्नल प्रिंसिपल्स. आई रिपीट, मेरे में तीन बातें होनी चाहिए. मॉरल वैल्यूज़ मेरी स्ट्रांग होनी चाहिए, एथिकल वैल्यूज़ मेरी स्ट्रांग होनी चाहिए. ये दोनों बातें डिपेंड करती है कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग. मॉरल वैल्यूज़ सेल्फ गाइडेड प्रिंसिपल है, एथिकल वैल्यूज़ एक्सटर्नल गाइडेड प्रिंसिपल्स है. तो मॉरल वैल्यूज़ के बारे में हम देखते हैं सबसे पहले कि मुझे सबसे पहले अक्वायर करनी है मॉरल वैल्यूज़. मॉरल वैल्यूज़ सेल्फ गाइडेड प्रिंसिपल है, मेरे इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स है. कानून के द्वारा कहीं नहीं लिखा गया है कि मैंने मॉरल वैल्यूज़ फॉलो करना चाहिए, ये मेरे अपने वैल्यूज़ है. अब कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आप गरीब सब्जी वालों के साथ भावताव करते हैं क्या? किसी कानून में नहीं लिखा है कि आपने भाव नहीं करना चाहिए, कहीं लिखा है? ये तो सेल्फ गाइडेड प्रिंसिपल है, ये मॉरल वैल्यूज़ है. आप बड़े बड़े मॉल्स में भाव करते हो क्या, बार्गेन करते हो क्या आप बड़े बड़े मॉल्स में? डू यू बार्गेन? जब आप 3,000 रुपये की शर्ट खरीदते हो, जब आप 15,000 रुपये की घड़ी खरीदते हो, जब आप 4,000 रुपये का शू खरीदते हो, उस दुकान में आपने बार्गेन किया होता है क्या? नहीं किया होता है. लेकिन सब्जी लूट रहे हो तुम, 20 रुपये पाव सब्जी दे रहे हो, लूट रहे हो तुम. आज की तारीख में मैं ये मान के चलता हूँ कि आपकी सबकी सैलरीज 1,00,000 रुपये या उसके ऊपर है, और वो सब्जी वाला कितना कमाता होगा? तो हम उसके साथ भाव क्यों करते हैं? मॉरल वैल्यूज़ हमको रोकेगा कि ये गरीब सब्जी वाले के साथ मैं भाव ना करूं. तो मॉरल वैल्यूज़ अक्वायर करने की स्टेप नंबर वन है, जो हमसे डाउनट्रोडन लोग हैं, जो हमसे नीचे के लोग हैं, हम उनकी लाइफ को मिजरेबल ना बनाएं, उनकी लाइफ को थोड़ा ठीक बनाएं. तो रिक्शे वालों के साथ, सब्जी वालों के साथ बार्गेन करना हमको बंद कर देना है. ठीक है, वो 2 रुपये ज़्यादा ले रहा है, लेने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छी खासी सैलरी है मेरी, अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ मैं. पूरे महीने भर में वो मेरे को 200 रुपये से लूट लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लूट सकता 200 रुपये से. आप मुझे बताइए, आपको या मुझे 200 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है? आप में से कोई है जिसको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि जी 200 रुपये ज़्यादा चले गए महीने भर में मेरे, पता नहीं मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया है? हो सकता है? नहीं हो सकता है. तो मैं तो एक स्टेप अहेड जाके बोलता हूँ, आप डाउन बार्गेनिंग जरूर करते हैं, सबने किया होगा. आपने अप बार्गेनिंग कभी किया है क्या? अप बार्गेन कभी किया है? मींस सपोज आपको जूता पॉलिश करना है और 10 रुपये में वो पॉलिश होता है, 10 रुपये में वो पॉलिश होता है, और आप उसको बोल रहे हो कि मुझे जूता पॉलिश करना है, लेकिन मैं तेरे से तभी कराऊंगा जब तू 25 रुपये लेगा. 10 रुपये में मेरा एक स्टैंडर्ड है यार, मैं 10 रुपये में पॉलिश नहीं कराता, मैं 25 रुपये दूंगा, करोगे? कभी ऐसा किया है? करके देखिए, उस बंदे का दिन बन जाएगा और आपका भी दिन बन जाएगा. तो डू समथिंग जो लोग नहीं करते, आप कीजिए. आप डाउन बार्गेन मत कीजिए गरीबों के साथ, आप गरीबों के साथ अप बार्गेन कीजिए.
आपने एक ऑटो तय किया, आपके घर तक जाने के लिए 80 रुपये लगते हैं, आप उसको 100 रुपये दे दीजिए और बोलिए कि रख लीजिए, हम उसको 80 रुपये के बजाय 50 रुपये में चलने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते, 60 रुपये में चलने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते। और आपको पता है इस लॉकडाउन में रिक्शे वालों की, ऑटो वालों की क्या हालत हुई है, क्या हालत हुई है? मेरी बेटी को पहली से 10वीं तक जो ऑटो वाला ले जाता था, 1 साल से स्कूल्स बंद है, 1 साल से ट्रांसपोर्टेशन बंद था। आपने सोचा ये घर कैसे चला रहा होगा, इसका घर 1 साल चला कैसे होगा? एक अच्छे करेक्टर का व्यक्ति, एक मॉरल वैल्यूज का व्यक्ति ये चीज़ सोचेगा कि यार मैं इसको 80 रुपये बोल रहा है और मैं घिस घिस कर रहा हूँ कि 60 रुपये ले ले, 60 रुपये ले ले, इतना दूर तो है, 2 किलोमीटर तो है, लूट रहे हो तुम हमको, लूट रहा है, 1 साल से कमाई नहीं हो रही उसकी, उसका घर कैसे चल रहा पता नहीं, किस प्रकार वो किराया भर रहा होगा पता नहीं, क्या खा रहा होगा पता नहीं, और हम लगे हुए हैं 80 रुपये नहीं जी, 60 रुपये ले लो, 60 रुपये ले लो, क्यों ले लो? आप 100 रुपये नहीं दे सकते? आप तो 1 लाख रुपये की सैलरी कमा रहे हो, 1.5 लाख रुपये की सैलरी कमा रहे हो, कुछ के पास और इनकम भी है, और हम कर रहे हैं क्या है? तो डोंट डाउन बार्गेन, अप बार्गेन करो। ये मॉरल वैल्यूज जब आप करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपको प्रॉस्पेरिटी भी ज़्यादा आती है, आपको मेंटल पीस बहुत मिलता है। किसी की लाइफ जब आप बनाते हो ना, तो आपकी मेंटल पीस बढ़ जाती है, और ये एक बहुत ऊंचे कैरेक्टर की निशानी है। जब आप अपने से छोटों के, इसको बोलते हैं एम्पथी, सामने वाले के दर्द को समझना, इज कॉल्ड एम्पथी। तो डोंट डाउन बार्गेन, इंस्टेड स्टार्ट डूइंग अप बार्गेन, दैट इज ए साइन ऑफ अ वेरी गुड कैरेक्टर, ये बहुत अच्छे कैरेक्टर की निशानी है। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, इसको हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो हम गरीबों के साथ आज से बार्गेनिंग नहीं करेंगे। देन आती है बात, जब होटल में जाते हैं वेटर या सब्जी वाला, इसको आप जब सर्विसेज लेते हो तो थैंक यू बोलते हैं क्या? कितने लोग बोलते हैं थैंक यू? दैट अगर आपकी मॉरल वैल्यूज हाई होंगी ना, तो आप हर सर्विसेज जो आपको मिल रही है उसके लिए ग्रेटफुल होंगे। आप पैसा देते वक्त ग्रेटफुल होंगे, पैसा लेते वक्त ग्रेटफुल होंगे। तो बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, फॉर कितना भी छोटा आदमी हो, सर्विसेज मिली है, थैंक यू बोलना बनता है, दैट इज़ ए साइन ऑफ अ वेरी गुड कैरेक्टर। वॉचिंग पॉर्न, गलत गलत चीज़ें देखना इज अ वेरी डाउन मॉरल वैल्यूज। शराब पीना, सिगरेट पीना, स्मोकिंग करना, कहीं लॉ में नहीं लिखा है, लॉ में लिखा है कि आपको पब्लिक प्लेस में दारू नहीं पीनी है, आपको पब्लिक प्लेस में सिगरेट नहीं पीनी है, दैट इज लॉ। लेकिन सिगरेट ही मत पियो या दारू मत पियो किसी कानून में नहीं है, ये मॉरल वैल्यूज में है कि ये चीज़ गलत है, मैंने नहीं करनी। आप सिग्नल पर रुके हुए, आपकी गाड़ी के पास छोटा बच्चा आ गया, उसके पास हाथ में पेन है, बेच रहा है, आपको पेन की ज़रूरत नहीं, आपके पास ऑलरेडी 5 पेन ऑलरेडी है, आप खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे उस बच्चे से? आपने एक चीज़ कभी सोची है कि छोटा बच्चा अगर कुछ बेच रहा है, मज़े में तो नहीं है, उसके परिवार की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है, तो वो बेच रहा है, भीख नहीं मांग रहा है, बेच रहा है, और ठीक है 5 रुपये का एक पेन है, खरीद नहीं सकते हम, मेरे को ज़रूरत नहीं है, वो छोटा सा टॉय बेच रहा है, मेरे को ज़रूरत नहीं है उस टॉय की, वो पेन बेच रहा है, मेरे को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उस पेन की, तो भी क्या मैं ले लूँ या नहीं ले लूँ? मेक इट अ प्रिंसिपल कि जब भी कोई छोटा बच्चा मेरे पास कुछ भी बेचने के लिए आता है और वो चीज़ें होती है 5 रुपये 10 रुपये की, आई शुड बाय इट। ये मॉरल वैल्यूज़ है, ये किसी कानून में नहीं लिखा है कि आपको वो बच्चे के पास से कुछ खरीदना चाहिए, कानून में नहीं लिखा होता है, ये सेल्फ गाइडेड प्रिंसिपल है, मॉरल वैल्यूज़ आर सेल्फ गाइडेड प्रिंसिपल्स। तो उस बच्चे के साथ जो भी वो बेच रहा है, मेरी गाड़ी में पेन भरे पड़े रहते हैं, जब भी कोई दिखता है मैं 5 पेन खरीद लेता हूँ और 50 पेन मेरे पास जमा हो गए, 50 पेन इंटू 5, 5 रुपये का एक पेन है, तो कितने 250 रुपये के पेन ले लिए होंगे मैंने अभी तक साल भर में? क्या मैं गरीब हो गया क्या 250 रुपये के पेन लेने में? नहीं हुआ। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक मेहनत करने वाले को एक सपोर्ट किया। डू दैट, दीज आर मॉरल वैल्यूज़। ये जब आप मॉरल वैल्यूज़ ऊँचे होते हैं ना, तब एक बहुत अच्छे सिटीज़न होते हैं आप अपने समाज को बेहतर बनाते हैं, आप अपने परिवार को बेहतर बनाते हैं, आप आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाते हैं, आप इस देश को बेहतर बना रहे होते हैं। तो व्हेन वी प्रैक्टिस मॉरल वैल्यूज़, हम हर चीज़ को अपलिफ्ट कर रहे होते हैं। तो व्हाट एक्ट ऑफ काइंडनेस हैव यू डन टुडे? अपने आप को पूछिए कि आज मैंने
क्या ऐसा काम किया कि जो बहुत अच्छा काम था, जिससे मेरे को सुकून मिला, जिससे किसी और को सुकून भी मिला। तो मॉरल वैल्यूज इज डूइंग एटलीस्ट वन एक्ट ऑफ काइंडनेस। ये किसी की पैसे से मदद करके हो सकती है, किसी का दुख बांट के हो सकती है, किसी की तरफ एक स्माइल करके देखने से हो सकती है। इसको कहते हैं एक्ट ऑफ काइंडनेस। और किसी कानून में नहीं लिखा है कि आपको हर रोज एक्ट ऑफ काइंडनेस करना चाहिए। ये मॉरल वैल्यूज में है कि आई एटलीस्ट वन एक्ट ऑफ काइंडनेस आई शुड डू। आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया हुआ है, तो आपके अकेले के लिए नहीं है सब कुछ, आपको ये स्प्रेड करना आना चाहिए। दीज आर ऑल मॉरल वैल्यूज। तो इफ़ आई वॉन्ट अ वेरी गुड कैरेक्टर, तो मैं मॉरल वैल्यूज की प्रैक्टिस करना आज से शुरू कर दूँ। सो मॉरल वैल्यूज आर लव, शोइंग लव, शोइंग काइंडनेस, शोइंग कंपैशन, शोइंग एम्पैथी, गिविंग कोऑपरेशन, दीज ऑल कम्स अंडर मॉरल वैल्यूज। और कोई कानून नहीं बोलता कि आपने प्यार करना चाहिए, आपने काइंडनेस दिखाना चाहिए, आपने कंपैशनेट रहना चाहिए, आपने एम्पैथेटिक रहना चाहिए, आपने लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। ऐसा मॉरल वैल्यूज में है। और कैरेक्टर इज मोस्टली डिटरमाइंड बाय योर मॉरल वैल्यूज। और आपकी मॉरल वैल्यूज ऊंची होंगी ना, तो आपकी एथिकल वैल्यूज ऑटोमेटिकली ऊंची होंगी, वो नीची नहीं हो सकती है। तो लव, हाउ डू यू लव पीपल, कैसे प्यार करेंगे, किसको करेंगे? बिगिन विथ योर सेल्फ, बिगिन विथ लविंग योर सेल्फ, बिगिन विथ लविंग योर फैमिली, बिगिन विथ लविंग एंड केयरिंग फॉर योर कलीग्स, योर फ्रेंड्स, शो एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। यस, एनीथिंग, आपको कुछ पूछना है इसमें? हाँ, यस जी, पूछिए। अच्छा, म्यूट हो गया, आप चैट बॉक्स से पूछ सकते हैं। मैंने दो वैल्यूज की बात की जी। कानून मध्ये आहे हे असं मला म्हणायचं आहे, मला माझ्या परिवारावर प्रेम करायला पाहिजे। इट इज नेव्हर रिटन, नो वेअर इट इज रिटन। मी लोकांना येस नाही, इट इज टॉट बाय येस येस, तर आपल्याला स्वातंत्र्य आहे, आपल्याला बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे, स्वातंत्र्य कानून मध्ये आहे। जी जी, आप जो बोल रहे हैं, जी नहीं, जो आप बोल रहे हैं, आई विल बी कमिंग टू दैट, मैं उस पर आ रहा हूँ। लेकिन मैंने दो वैल्यूज़ की बात की थी, एज यू रिमेंबर, मैंने दो वैल्यूज़ की बात की थी, मॉरल वैल्यूज़ एंड एथिकल वैल्यूज़। मॉरल वैल्यूज़ एंड एथिकल वैल्यूज़ वी आर, आप जो बात कर रहे हैं वो एथिकल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, मैं उस पर भी आऊँगा। और वो हमको पालन करना ही है, मेरे को रास्ते गंदे नहीं करने हैं, ये एथिकल वैल्यूज़ है, मेरे को पालन करना ही है, मेरी मर्जी नहीं चलेगी वहाँ पर। मेरे को ऑफिस में टाइम पे आना है, ये एथिकल वैल्यू है, वहाँ पे मेरी मर्जी नहीं चलेगी, मेरे को आना ही आना है। तो दीज ऑल कम्स अंडर एथिकल वैल्यूज, वो भी होना चाहिए। देखिए, मॉरल वैल्यू होने से काम नहीं चलने वाला है सिर्फ, मॉरल वैल्यूज़ ये मेरे खुद के बनाए हुए मेरे लिए हैं, एथिकल वैल्यूज़ मेरे लिए कानून ने बनाए हुए हैं जिसको मेरे को पालन करना है। आई एम कमिंग टू एथिकल वैल्यूज़ ऑल्सो। तो आप थोड़ा सा धीरज रखिए, और एथिकल वैल्यूज़ होने के बाद में हम इस पर फिर से बात करते। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट लव, लव योर सेल्फ, लव योर फैमिली, लव योर कोलीग्स, लव योर फ्रेंड्स, दिस। और मेरे को कोई कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लिखा है कि आप हिंसा नहीं कर सकते, आप किसी के साथ हेटरेड नहीं कर सकते, बट टू लव, कानून किसी आपको मजबूर नहीं करता है कि यू शुड शो काइंडनेस। किस कानून में, किस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि आपने काइंडनेस शो करना चाहिए? नहीं लिखा है। ये आपकी अपनी वैल्यूज़ होती है, आपको गरीबों की दया आनी चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ये आपकी मॉरल वैल्यूज़ में है। आपको, आपने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, दीज आर योर मॉरल वैल्यूज़, ठीक है ना। आपने लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, चलिए एक बात बताता हूँ मैं, माफ़ कर देना चाहिए, टू फॉरगिव पीपल। किस कानून में लिखा है कि आपके साथ गलत हो जाए तो आप लोगों को माफ़ कर दो, बताइए। इस एनीवेयर इट इज़ रिटन कि आपके साथ तो जी गलत हो रहा है मगर आप उन्हें उनको माफ़ कर देना चाहिए? कहाँ लिखा है ऐसा? अगर आपकी मॉरल वैल्यूज़ ऊँची है ना,
तो आपके साथ गलत होने वाली चीज़ों को भी आप माफ कर देते हैं। यू फॉरगिव पीपल। किस कानून में लिखा है कि यू शुड बी ग्रेटफुल? आपको वेटर ने चाय लाकर दी, आप होटल में गए, उसने चाय कॉफ़ी आपको लाकर दी और आपने वेटर को थैंक यू बोलना चाहिए, ऐसा किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि यू शुड थैंक दैट पर्सन? ये मॉरल वैल्यूज़ में है। एथिकल, आप जो बात कर रहे हैं, लेट सी, दैट इज़ एथिकल वैल्यूज़। इट इज़ गाइडेड बाय एक्सटर्नल प्रिंसिपल्स, इट इज़ गाइडेड बाय एक्सटर्नल प्रिंसिपल। ये मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मुझे ये मानना ही है। कोड ऑफ कंडक्ट इन सोसाइटी कम्स अंडर एथिकल वैल्यूज़। वर्क प्लेस पर मैंने कैसे रहना है, मैंने गॉसिपिंग नहीं करना है, मैंने ऑफिस में टाइम पर आना है, मैंने ऑफिस टाइम पर छोड़ना है, मैंने किसी रिलीजन के प्रति नफरत की भावना नहीं रखनी है, ये जो है ये एथिकल वैल्यूज़ है। ये मैं चाहूँ या न चाहूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में है, कानून में है, मुझे ये मानना ही पड़ेगा। तो आप जो कह रहे थे वो एथिकल वैल्यूज़ है, और एथिकल वैल्यूज़ भी कैरेक्टर में आता है। तो मॉरल वैल्यूज़ सेल्फ गाइडेड है, एथिकल वैल्यूज़ एक्सटर्नल प्रिंसिपल पर बेस्ड है, और ये मुझे मेरी इच्छा हो या ना हो मुझे मानना ही है। सो क्या आप सेटिस्फाइड है इस बात से, या आपको फिर भी कुछ क्वेरी है? यस प्लीज बोलिए। एथिकल वैल्यूज तो हमको फॉलो करनी चाहिए, इच्छा हो या ना हो। 10 बजे आपको ऑफिस आना है, आपकी इच्छा हो या ना हो, बिल्कुल आना है। 5 बजे तक ऑफिस है, आपको 5 बजे तक रुकना है। आपको गॉसिपिंग नहीं करनी है, आपको आपका टारगेट कंप्लीट करना है। दिस ऑल कम्स अंडर एथिक्स। और अगर मेरा एथिकल वैल्यूज सही है तो मेरे ये भी काम सही होंगे, बिल्कुल होंगे। सो अब आप एथिकल वैल्यूज सुनने के बाद क्या आप सेटिस्फाइड है, या स्टिल आपको लगता है कि कुछ गलत है? वी आर ओपन फॉर डिस्कशन। सर क्या रिसप नहीं आता? अच्छा, आप उनको अनम्यूट कीजिए सर थोड़ा सा। नहीं, क्या नेट में बाहर निकल गया। अच्छा ठीक है, क्योंकि उनको क्वेरीज थी, उनको शायद मैं जो कह रहा हूँ शायद उनको पट नहीं रही थी वो बात, उनको लग रहा था कि कुछ तो गलत है इसमें। और एक्चुअली जो मैं बोल रहा हूँ, कैरेक्टर जो है ये पर्सनल इशू भी है। कोई चीज़ जो मुझे लगता है कि बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए लेकिन किसी को लगता है करनी चाहिए, तो दैट डिपेंड्स ऑन उनकी मॉरल वैल्यूज़ क्या है। तो मॉरल वैल्यूज़ तो हर एक की डिफरेंट हो सकती है, एथिकल वैल्यूज़ डिफरेंट नहीं हो सकती, वो तो करनी ही करनी है। सो आई होप और किसी को कोई इशू है इस बात पर कि मैं गलत बोल रहा हूँ, नहीं जी ये ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप मेरी सब बातों से सहमत ना हो, इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल। और ये बहुत अच्छी भी बात है कि आपने सब बातें माननी भी नहीं चाहिए। आज देश में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम सामने वाले ने जो बोला मान ही ले रहे हैं, टीवी ने कुछ बता दिया हमने मान लिया। नहीं मानना चाहिए, हमने क्वेश्चन करना चाहिए। बिल्कुल, आपने मुझसे भी क्वेश्चन करना चाहिए, आपने जिनको चुन कर दिया उनसे भी क्वेश्चन करना चाहिए, आपने मीडिया वालों से क्वेश्चन करना चाहिए कि जी झूठ पे झूठ बताया जा रहे हो, क्यों बता रहे हो, क्या कैरेक्टर है। अब बताइए पढ़े लिखे लोगों का क्या कैरेक्टर है? टीवी खोलो रात दिन झूठ सुनते हैं हम। इट्स अ वेरी बैड कैरेक्टर। कंट्री का कैरेक्टर कितना ख़राब हो गया ये टीवी देखने से पता चलता है कि सिंपली आप रात दिन झूठ देख रहे हो, आपको केवल और केवल गलत बातें बताई जा रही है। और वी आर कन्विंस्ड, वी शुड नेवर बी कन्विंस्ड। अगर जिसका कैरेक्टर अच्छा होता है ना, वो करेजस होता है, वो कन्विंस नहीं होता, वो क्वेश्चन करता है, और हमने क्वेश्चन करना छोड़ दिया है। तो अगर आपको लगता है कि मेरी बातें गलत है तो यू शुड क्वेश्चन मी बाय ऑल मीन्स। तो अभी जो भी पार्टिसिपेंट है, अगर उन्हें लगता है कि अब तक मैंने जो कहा ये जी गलत है, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। तो आप कुछ लोगों को सर अनम्यूट कर सकते हैं सो दैट आई कैन नो कि ठीक है। हाँ, तो कोई ऐसे है जो अग्री नहीं कर रहे इस बात से कि नहीं आप गलत बोल रहे हो? तो अगर कोई बोल नहीं रहा तो ये मान के चलता हूँ कि लोग अग्री हो गए मेरी बात से। अब एथिक्स की जब बात की, तो अभी आप बताइए ऑफिस से एसटीडी कॉल कर रहा हूँ मैं मेरे रिलेटिव्स को। पहले ये बहुत होता था, आजकल नहीं होता है। पता है क्यों नहीं होता है? आजकल सबके पास फ्री कॉलिंग और फ्री डेटा है, तो ऑफिस के फ़ोन अभी यूज़ नहीं होते। पहले आप याद कीजिए 10 साल पहले ऑफिस के फ़ोन का बहुत मिसयूज़ हुआ करता था, एथिकली करेक्ट नहीं थी वो बात। बैंक में आप जाते हैं, झाड़े सर आपको ये एक्सपीरियंस आया हुआ है, बैंक का क्लर्क आपको काउंटर टू काउंटर घुमा रहा है, एथिकली रॉन्ग है। अगर ठीक है
अगर मेरे काउंटर पे आप आए हैं और मेरे काउंटर का काम नहीं भी है तो मैं आपको काउंटर टू काउंटर नहीं घुमाऊंगा, मैं उस काउंटर वाले से बात करूंगा कि यार फलाने फलाने पर्सन मेरे पास इस काम के लिए आए हैं, ये काम तुम्हारी तरफ है, प्लीज़ देखो। दैट इज़ द करेक्ट वे। तो आपको बैंक का क्लर्क क्या कर रहा है, मेरा काम नहीं है जी उधर जाओ, वो टेबल वाला बोल रहा है ये मेरा काम नहीं है उधर जाओ, दैट इज़ एथिकली इनकरेक्ट थिंग। आप ऑफिस का व्हीकल यूज़ कर रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, एथिकली अनकरेक्ट है। आप ब्रश कर रहे हैं और आपने नल चालू रखा हुआ है, ये भी एथिकली करेक्ट नहीं है। आप पानी की बर्बादी कर रहे हो, ये नेशनल रिसोर्स है। एम्प्लॉई टीम के तौर पे काम कर रहा है, एथिकली करेक्ट है। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला, एथिकली ठीक है। लोगों को ब्राइब दे रहे हैं काम करने के लिए, एथिकली अनकरेक्ट है। क्यों आपने, अच्छा लोगों को देखा है क्या, लोग क्यों में रहते हैं, इधर उधर देखते और बीच में से सामने घुस जाते, एथिकली अनकरेक्ट है। तो ये छोटी छोटी बातों से सही है गलत है, एथिकल और मॉरल वैल्यूज दिख पड़ती है। क्या होगा अगर लोगों की एथिक्स और मॉरलिटी ख़त्म हो जाए, व्हाट विल हैपन, हम ये करना बंद कर दें, मेरे में मॉरलिटी ख़त्म, मैं एथिक्स में कानून नहीं मानता, मैं कुछ नहीं मानता, व्हाट विल हैपन, द होल वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड फिनिश्ड इन 5 मिनट्स और लेस। 5 मिनट से कम में ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी अगर हम कैरेक्टर का पालन नहीं करेंगे, मॉरलिटी का पालन नहीं करेंगे, एथिक्स का पालन नहीं करेंगे। दिस सोसाइटी विल टर्न इनटू केओस। मैं झूठ बोलने लग जाऊंगा, मैं लोगों से पैसे लूंगा, मुकर जाऊंगा, मैं लोगों के पैसे वापस नहीं करूंगा, मैं ब्राइब करूंगा, मैं ब्राइब लूंगा, मैं ठीक से काम नहीं करूंगा, हार्मफुल एक्शन करूंगा, सोसाइटी को नुकसान पहुंचाऊंगा। अगर मॉरलिटी और एथिक्स ख़त्म हो गई तो मैं हर ख़राब चीज़ करने लग जाऊंगा। तो कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, परिवार के लिए, समाज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए और देश के लिए। तो एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ इज़ वर्किंग फॉर द राइट कॉज। और राइट कॉज क्या है, जो सही है वो करो, करेजियसली उस पर लगे रहो, जहाँ ना बोलना है वहाँ ना बोलो, जहाँ हाँ बोलना है वहाँ हाँ बोलो। ये आता है मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ के अंतर्गत। अब एथिकल आप कैसे बनेंगे, आप ज़्यादा नॉलेज अक्वायर कीजिए, आप ज़्यादा स्किल्ड बनिए, आप ज़्यादा स्ट्रांग बनिए, आप ज़्यादा डिसिप्लिन रहिए, आप ज़्यादा पेशेंस दिखाइए, तो आप एथिकल वैल्यूज़ आपकी सही रहेंगी। अब एक चीज़ बताता हूँ मैं कि कैरेक्टर के बारे में हमने इतनी बात की, अब एक एक्सरसाइज हमको डेली करनी है अगर मुझे मेरे कैरेक्टर को डेवलप करना है तो। नंबर वन, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब शीशे में खुद को देखना। तो एक चीज़ होती है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, आई रिपीट, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन क्या है, रोज रात को मैं सोने से पहले 5 मिनट मेरी आंखें बंद करूंगा और सोचूंगा कि आज दिन भर में मैंने क्या एक्टिविटी करी, और ये सोचूंगा कि जो दिन भर मैंने आज किया क्या वो सही था, क्या वो सही था। मैंने सवेरे आज दोपहर को एक व्यक्ति से बहस की, मेरे को उसकी बात नहीं पटी, मैंने उससे बहस की। अब शाम को मैं आंखें बंद करके सोचूंगा कि क्या वो बहस करना ज़रूरी था मेरे लिए, क्या मैं चुप नहीं रह सकता था, क्या मैं उसकी बात को समझ नहीं ले सकता था। मैं आंखें बंद करके सोचूंगा इस बात को, आई विल रिफ्लेक्ट ऑन कि दिन भर मैंने जो एक्टिविटी की वो सही की या गलत की, और मैं किस प्रकार उसको सुधार सकता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। तो एवरी नाइट लास्ट एक्टिविटी यही होगी मेरी, सोने से पहले 5 मिनट में आंखें बंद करूंगा और मेरे दिन भर की एक्टिविटीज़ को फिल्म की तरह चलाऊंगा और देखूंगा अच्छा किया बुरा किया, अगर बुरा किया तो क्या मैं इसको सुधार सकता हूं, अच्छा किया तो मैं क्या इसको और अच्छा कर सकता हूं। दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। मैंने बहस की, क्या ज़रूरी था, क्या ज़रूरी था, गलत बात हो रही थी और मैंने मैं चुप रहा, तो मैं रिफ्लेक्ट करूंगा कि नहीं यार गलत बात हो रही थी, मैंने चुप नहीं रहना चाहिए था, मैंने बोलना चाहिए था। दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। तो इसकी जब हम प्रैक्टिस करते चले जाते हैं ना, तो हमारे कैरेक्टर में इंप्रूवमेंट आती चली जाती है। द फर्स्ट थिंग आई शुड डू रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, और जब मैं इसको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मेरे को अगली डिग्री मिलेगी, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन इन एक्शन। यानी मैं अभी मेरे को गुस्सा आ गया, मेरे को बहस करनी है, और मैं बोलूँगा नहीं यार आई शुड स्टॉप, मैं रुकता हूँ और मैं समझता हूँ कि क्या कहा जा रहा है, अगर मेरे को नहीं पता तो मैं बहस करता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता हूँ, तो मैंने ये काम तुरंत किया। दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन इन एक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन तो हम करें ही करें, रोज़ शाम को बैठे और दिन भर की फिल्म को चलाए, क्या सही किया था,
क्या गलत किया था, इसको हम डिसाइड करें। और जब इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो हम इसको कंटिन्यूस बेसिस पे करें कि इस वक्त मैं जो कर रहा हूँ करना सही है या गलत है, मैंने कचरा फैलाना चाहिए नहीं फैलाना चाहिए, मैंने बहस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मैंने ऑफिस पे टाइम पे पहुँचना चाहिए नहीं पहुँचना चाहिए, ऑफिस टाइम पे टाइम से निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए। तो दैट इज़ रिफ्लेक्शन इन एक्शन। तो जब तक रिफ्लेक्शन इन एक्शन हमसे नहीं होगी तब तक एटलीस्ट हम ये करें कि रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन तो हम करें ही करें, और मेरे हर एक्टिविटी को क्रिटिकली मैं स्वयं एनालाइज करूँ कि वेदर मैंने ये चीज़ करनी चाहिए या वेदर मैंने ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। दैट इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइजिंग इंटेग्रिटी। सो ये कुछ बातें थी जो मैं शेयर किया, शायद इसमें कुछ बातें कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई या कुछ लोगों को ये कॉन्ट्रोवर्शियल लगी, सो आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। मुझे हर किसी को तुरंत हर बात को एग्री नहीं करना चाहिए, यू मे एग्री विथ मी यू मे डिसएग्री विथ मी, आप मेरी कुछ बातों से एग्री हो सकते आप कुछ बातों से एग्री नहीं हो सकते, ऐसे भी हो सकता है। तो आपको अपनी इंटेग्रिटी अपना इंटेलेक्चुअल लेवल को अप्लाई करना है और आपको देखना है कि क्या बातें की जा सकती है, क्या बातें करना पॉसिबल है, क्या बातें करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं अभी आपसे डिस्कशन करने के लिए ये इसको तो अभी स्टॉप करता हूँ प्रेजेंटेशन को, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो आई एम ओपन फॉर डिस्कशन। कहीं प्रश्न असतील तर विचारा, आणि नेहमीप्रमाणे चॅट बॉक्समध्ये मी फॉर्म भरून घ्या। सोबत प्रश्न असतील तर जरूर विचारा। बरोबर, एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क मी? आप चैट में भी पूछ सकते हैं या आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। डायरेक्ट भी जरूर सकता। अच्छा टॉपिक को विचारा, दूसरा कहीं पाइजे से भी विचारा। हाँ, एनीथिंग एनीथिंग। हाँ, अच्छा मेरी कितने लोग हैं जिनको मेरी 100% बात से मेरे एग्री करते हैं, कितने लोग हैं जो 50% एग्री करते हैं, कितने लोग हैं जो बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं कि नहीं ये आप जो बोल रहे थे नहीं पटा हमको, या कुछ कहेंगे कि हाँ कुछ बातें पटी कुछ नहीं पटी? चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, सो दैट मेरे को भी आगे ध्यान होगा कि भाई क्या करना चाहिए। तो आई गेस किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। प्रश्न नहीं है क्या थोड़ा ना? इधर है तो नहीं है। ओके देन, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।